देखिए काफी दिन बाद एनटीआर सर भी काफी चर्चे में आ गए हैं अपनी 30 फिल्म के लिए ही। भाई ढेर सारी न्यूज आ गई है इस फिल्म से, कुछ अच्छी है तो कुछ ज्यादा ही बुरी है। सो आप भी दोनों न्यूज जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जहां तक भाई पहले आपको बता दूं, हाल ही में क्रोटला शिवा ने एक और हॉलीवुड की बड़ी हस्ती को इंडिया बुला ली है अपनी एनटीआर 30 फिल्म के लिए। ये तो आप जानते होंगे, 10 दिन पहले ही कैनी बेट्स नाम के एक हॉलीवुड के शख्स एनटीआर 30 में जा चुके हैं, जहां ये फिल्म के बड़े एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ करेंगे हॉलीवुड स्टाइल में। लेकिन भाई अब 2 दिन पहले ही एक और हॉलीवुड से ब्रैड मेनिच भी आ गए इंडिया में, जहां आप देख सकते हैं ये भाई साहब कुछ बातें कर रहे हैं अपने क्रोटला शिवा से खड़े होकर। असल में भाई ये एक बड़े VFX सुपरवाइजर हैं, जिन्होंने हॉलीवुड की द बैटमैन, द इक्वामैन और जस्टिस लीग जैसी पॉपुलर फिल्मों में VFX डाले हैं, और अब ये ब्रैड मेनिच इंडिया में एनटीआर 30 के फिल्म में VFX डालने का काम करेंगे। पता नहीं भाई क्रोटला शिवा आखिर एनटीआर 30 को बनाना क्या चाहते हैं। भाई मुझे लगता है जैसे प्रशांत नील अपनी सलार फिल्म को हॉलीवुड में रिलीज करने का प्लान कर लिए, ठीक इसी प्रकार अब क्रोटला शिवा भी इस एनटीआर 30 फिल्म को हॉलीवुड के मार्केट में रिलीज करना चाहते हैं। तभी तो वो फिल्म का शुरुआत से ही सब कुछ हॉलीवुड के लेवल कहीं कर रहे हैं एनटीआर 30 को बनाने में। देखते हैं भाई और आगे क्या क्या हॉलीवुड से आता है एनटीआर सर की फिल्म में। खैर अब चलिए दूसरी खबर पर, यानी सैड न्यूज पर आ जाते हैं। असल में भाई कल ही एनटीआर 30 का विलेन भाग गया है। देखिए पिछले महीने एनटीआर 30 के मेकर्स ने बॉलीवुड से सैफ अली खान से अप्रोच किया था फिल्म में विलेन बनने के लिए, और उन्होंने हाँ भी बोल दिया था उस रोल के लिए उस समय। मगर पता नहीं क्यों कल अचानक से उन्होंने एनटीआर 30 को रिजेक्ट मार डाला है। ना भैया हम विलेन नहीं बनेंगे इस फिल्म के। भाई आपको रिजेक्ट करना ही था तो उस समय ही बोल देते। अब जब फिल्म का शूटिंग चालू हो गई है तो अचानक से आपने रद्द कर दिया फिल्म को। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। अब तो एनटीआर 30 के अंदर पूरा खलबली मच गई होगी। अब कौन विलेन बनेगा फिल्म का, अब किससे अप्रोच किया जाए। भाई मुझे डर लग रहा है कहीं सैफ अली खान के कारण फिर से एनटीआर 30 डेले मत हो जाए। ऊपर से पूरे एक साल बाद जैसे तैसे करके फिल्म चालू हुआ है और ऐसे समय में आपने एनटीआर सर को ही धोखा दे दिए। खैर भाई देखते हैं अब क्रोटला शिवा किस बॉलीवुड स्टार के पास पहुंचते हैं एनटीआर 30 के विलेन के लिए। लेकिन यह भी आपको बता दूं, जाह्नवी कपूर के बाद एक और एक्ट्रेस की भी कास्टिंग हो गई है इस फिल्म में, और इनका नाम है कृति सेठी। पता नहीं भाई एनटीआर 30 वालों को आखिर हुआ क्या है, कास्टिंग भी कर रहे हैं तो एवरेज कैटेगरी के लोगों का। बाकी देखते हैं कैसे बेड़ा पार लगाते हैं क्रोटला शिवा एनटीआर सर की 30 फिल्म का। वैसे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसे और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।